लद्दाख में हुए सेना के सड़क हादसे में 26 जवानों में से 7 जवान शहीद हो गए। 7 जवानों में से एक जवान पटना जिले के पौलीगंज अनुमंडल क्षेत्र के परियोग गांव निवासी उर्फ ललन यादव के सबसे छोटे पुत्र रामा अनुज यादव है। इधर शहीद होने की सूचना मिलने के बाद गांव और परिवार में मातम छा गया। शहीद जवान के पिता कई बार बेहोश भी हुए, उनकी तबीयत काफी खराब रह चुकी है। इसके अलावा मौत की सूचना मिलने के बाद मृत जवान की माँ और दोनों बहनों के अलावा परिवार की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि शहीद रामा अनुज यादव एक महीना पहले घर में बहन की शादी के लिए आए थे। बीते 26 अप्रैल को रामा अनुज लद्दाख अपनी ड्यूटी पर वापस लौट गए। किसी ने सोचा नहीं था कि कुछ दिन पूर्व अपनी बहन की शादी की सारी रस्में करने वाला भाई इस दुनिया से चला जाएगा। घर में अभी भी शादी का मंडप और कई सामान रखा हुआ है। गौरतलब है कि लद्दाख में 26 जवानों से भरी बस गहरी खाई में गिर जाने से 7 जवानों की मौत हो गई थी, जबकि कई सेना के जवान जख्मी हुए थे जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं इस दुखद घटना पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी दुख जाहिर किया था। उन्होंने कहा था कि इस दुख की घड़ी में शहीद जवान के परिवार के साथ हमारी संवेदना है। हालांकि इस पूरे घटना की जांच को लेकर सेना की तरफ से टीम का गठन किया गया है और जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।